नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तर यातायात प्रदीप कुमार शिंदे, उप पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज परमार, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नगर पुलिस अधीक्षक गणा तुषार सिंह, रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी, सूबेदार अश्विनी पटेल की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर मार्च पास्ट को रवाना किया गया। मार्च पास्ट में समस्त थाना प्रभारी शहर तथा जिला बल के लगभग 150 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मार्च पास्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रवाना होकर मालगोदाम हाईकोर्ट चौक घंटाघर होते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश देते हुए पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में समाप्त हुआ। वह इसके पूर्व आज सुबह 8 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रन फॉर यूनिटी मिली मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन दौड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर इंदिरा मार्केट पुल नंबर 1 इलाहाबाद चौक, साईं बाबा चौक, समन्वय चौक, सर्जन चौक, एम्पायर तिराहा, पुल नंबर 2 YMC तिराहा, हाईकोर्ट चौक, तहसील चौक से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन दौड़ 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं पुलिस परिवार के बच्चे सम्मिलित हुए। रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन दौड़ के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को यह राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई, और इसमें शपथ के उपरांत अभी आप जैसा देख रहे हैं हमारा जिला बल का कंटिंजेंट एक मार्च पास्ट भी कर रहा है, जिसका शुभारंभ भी किया गया और जो अभी जस्ट अभी यहाँ से निकला है, और जिसका जो डेस्टिनेशन है ये पुलिस कंट्रोल रूम है। SP ऑफिस से पुलिस कंट्रोल रूम मार्च पास्ट भी निकाला जा रहा है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता का संदेश जो है दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।